इस वक्त हम शमशाबाद रोड पर खड़े हुए हैं जो बरौली अहिर से मिलता जुलता और बराबर पर एक बरौली अहिर की जो सब्जी मंडी है, यहाँ पर बहुत कुछ दिन पहले भी बहुत सारी पीपी किट और ख़ास तौर से आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा डिलीवरी का सामान, बहुत सारे पीपी किट पड़ी हुई। कुछ दिन पहले भी एक हमें सूचना मिली थी तो हमारे सारे पत्रकार भाई बंधु यहाँ पर आए थे, आने के बाद भी कवरेज करी थी। ये खासतौर से कोरोना जैसी भयंकर महामारी को बढ़ाने का काम किया जा रहा है, जहाँ पर एक तरफ सरकार इतने सारे पैसे खर्च करती है कि कोरोना जैसी भयंकर महामारी से हम कैसे निपट पाएँ, इसी तरीके एक तरफ हॉस्पिटल वाले की लापरवाही सामने आप देख सकते हैं। ये बताइए, बराबर पर मंडी है, शमशाबाद ये जो राजा खेड़ा आगरा को कनेक्टिंग करता है वो ये हाईवे है, उसके बावजूद भी बहुत सारे लापरवाह लोग आके यहाँ पर बहुत सारी पीपी किट और बहुत सारे डिलीवरी का सामान, ब्लड के सैंपल, जो कितनी सारी स्मेल आती है। आप यहाँ पर कुछ समाजसेवी खड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं, इनकी राय जानते हैं, इनकी विचार जानते हैं, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। सर आपका नाम? बी एस राजपूत, नेहरू युवा विकास संगठन समाजसेवी। तो ये बताइए, ये आपको कैसे सूचना, इस तरह से हर कुछ दिन पहले भी हमें सूचना मिली थी इस तरह से लापरवाही होती रहती है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, हम इसमें यही कहना चाहें, इसमें सरकार की बहुत, प्रशासन की बहुत लापरवाही है, उच्च स्तर पर इस पर कार्रवाई नहीं हुई। पहले भी तो इस घटना को दोबारा दोहराया गया, जैसे आप जानते हैं महामारी कोविड-19 फैल रही है, इसको लेकर तो स्वास्थ्य विभाग सचेत रहना चाहिए, और इस वजह से भी आप देख सकते हैं कितना लापरवाह हो रहा है स्वास्थ्य विभाग। इसको देखते हुए हमने पहले भी ये सूचना आपको प्रकाशन में लाए थे, तो जिसकी आपने खबर फैलाई थी, तो कुछ दिन यहाँ बंद हुआ था, लेकिन फिर यही स्थिति हो गई और यहाँ लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना फैलाने की पूरी साजिश रची जा रही है प्राइवेट हॉस्पिटलों द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें जीआर हॉस्पिटल के ब्लड सैंपल की बोतलें हैं, सर्जिकल ग्लव्स हैं और बायो वेस्ट है पूरा, इससे कोरोना फैलने का संक्रमण बहुत खतरा यहाँ पर है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोरोना फैलेगा तो विदेशों जैसी स्थिति हमारे ब्लॉक बरौली में रहेगी। ये थी समाजसेवी, इन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले भी यहाँ पर ऐसे कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल के जरिए यहाँ पर फेंके गए थे, जिसकी सूचना कुछ पत्रकार बंधुओं को दी गई थी, उन्होंने अपने अपने चैनल्स के माध्यम से, अपने अपने अखबारों के माध्यम से खबर को प्रकाशित किया था। चंद दिन गुजरे थे कि उसके बावजूद भी आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारे, उन्होंने नाम बताया बट हम उस हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना चाहते हैं, बहुत सारे यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, बहुत सारी स्मेल आ रही है। अगर देहातों में कोरोना फैल जाएगा तो जो विदेशों की जो कंडीशन है कि कई कई लाशें उठानी पड़ेंगी, वो दिन दूर नहीं रहेंगे। एक तरफ हुकूमत हमारी, एक तरफ हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, करोड़ों नहीं अरबों रुपए कोरोना के नाम से खर्च कर रही है, दूसरी तरफ जिनको डॉक्टर का दूषण दर्जा भगवान के नाम से दिया जाता है, ऐसे ही पढ़े लिखे शिक्षित लोग जो डॉक्टर के, खासतौर से हॉस्पिटल वाले लोग, अगर लापरवाही करेंगे तो हमारा देश कोरोना जैसे भयंकर महामारी से कैसे निजात पाएगा। आगरा से जनवर टाइम से मोहम्मद इस्लामुद्दीन खास रिपोर्ट। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।